डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 के दूसरे फेज का सफल परीक्षण कर दिया है। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने बुधवार को उड़ीसा तट से द्वितीय चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर स्थित सभी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा हथियार प्रणाली की भागीदारी के साथ AD-1 मिसाइल का उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया। AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ विमान को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। AD-1 मिसाइल दो चरणों वाले ठोस मोटर द्वारा संचालित है। इसे लक्ष्य तक सटीक मार्गदर्शन के लिए स्वदेश में विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली नौवहन और मार्गदर्शन एल्गोरिथम से लैस किया गया है। तो आखिर इंटरसेप्टर मिसाइल क्या है? इंटरसेप्टर मिसाइल एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे दुश्मन देश की इंटरमीडिएट रेंज तथा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आइए अब समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ यानी कि बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का अनुसरण करती है और रॉकेट के साथ इनका संपर्क खत्म होने पर इनमें लगा हुआ बम गुरुत्व के प्रभाव से जमीन पर गिरता है। इसलिए एक बार प्रक्षेपित करने के बाद इनके लक्ष्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग परमाणु, रासायनिक, जैविक या पारंपरिक हथियारों की बैलिस्टिक पथ पर डिलीवरी के लिए किया जाता है। ये मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से में मिशन को पूरा करने में सक्षम है। मंत्रालय ने कहा कि इस परीक्षण के दौरान सभी उप प्रणालियों ने उम्मीदों के अनुसार काम किया। परीक्षण के दौरान सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन किया और फ्लाइट डाटा को कैप्चर करने के लिए तैनात रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग स्टेशनों सहित कई रेंज सेंसर ने डेटा कैप्चर किया। चलिए अब हम लोग भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के बारे में समझते हैं। इस पहल का उद्देश्य एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित और तैनात करना है। BMD सिस्टम में दो इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। पहला पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ये वायुमंडल के बाहर एक्सो एटमोस्फेरिक अथवा पृथ्वी से 50 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल है। ये मौजूदा पृथ्वी वायु रक्षा पृथ्वी एयर डिफेंस पैड प्रणाली प्रद्युमन का स्थान लेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 80 किलोमीटर है। दूसरा एडवांस्ड एरिया डिफेंस, ये वायुमंडल के भीतर यानी कि एंडो एटमोस्फेरिक अथवा पृथ्वी से 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसे अश्विन नाम दिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अनुसार इस प्रणाली को 2022 तक पूर्ण रूप से तैनात कर दिया जाएगा। BMD प्रणाली के पहले चरण की 2000 किलोमीटर की परास्त को दूसरे चरण में 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। भारत के अलावा ऐसी रक्षा प्रणाली अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के पास भी है। धन्यवाद।